ये है स्मार्ट आलिया। आलिया भट्ट के बुद्धूपन को लेकर कई जोक्स लगातार बनाए गए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके लगाए जाते हैं, लेकिन बात जब बिजनेस की आती है तो आलिया का दिमाग अपने पिता महेश भट्ट की तरह तेज चलता है। आलिया बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर लगातार निगाह रखती हैं और इस बात की उन्हें हमेशा जानकारी रहती है कि कौन सी फिल्म चली और कौन सी पिटी। वे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारी फिल्मों के कलेक्शन पर ध्यान रखती हैं। आलिया से जुड़े लोगों का कहना है कि आलिया अपने प्रतिद्वंदियों की हर चाल पर बारीकी से निगाह रखती हैं। दीपिका, कैटरीना या प्रियंका उनसे आगे हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, कृति सेनन जैसी हीरोइनों को आलिया अपने समकक्ष मानती हैं। ये हीरोइनें किस निर्माता से मिल रही हैं, कौन सी फिल्म में क्या भूमिका निभा रही हैं, किस हीरो के साथ काम कर रही हैं, उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन क्या है, ये सारे हिसाब आलिया के पास रहते हैं और उसके हिसाब से आलिया अपनी रणनीति तय करती हैं। कई बार तो आलिया ने इनसे फिल्में भी छीन ली और इन्हें पता भी नहीं चला। अब आलिया को बुद्धू कैसे माना जा सकता है? सलमान ने बॉडीगार्ड की सीक्वल के लिए जताई अनिच्छा। सलमान खान की बॉडीगार्ड बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, जैसा कि बॉलीवुड में होता है कि फिल्म के हिट होते ही उसके सीक्वल बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। बॉडीगार्ड का सीक्वल भी बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन सलमान सीक्वल करने के अनिच्छुक हैं। जोर दिए जाने पर उन्होंने साफ कह दिया कि यदि कहानी उन्हें पसंद आई तो ही वे फिल्म करेंगे। सलमान ने यह भी सुझाव दिया है कि स्थापित हीरोइन की बजाय किसी नई लड़की को हीरोइन के रूप में पेश किया जाए, यानी करीना कपूर का पत्ता बॉडीगार्ड की सीक्वल से कट गया है।